स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। देखिए, मई की शुरुआत से ही भीषण गर्मी का दौर जारी है और अब नौबता का कहर भी लोगों को सताने लगा है और ऐसे में गर्मी से बचाव ही इसका एकमात्र उपाय नजर आ रहा है और इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए एक रिपोर्ट। उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है। मई का महीना खत्म होने के साथ ही नौतपा का दौर भी शुरू हो गया है। 25 मई से नौतपा की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान 9 दिनों तक अत्यधिक भीषण गर्मी पड़ेगी। नौतपा को नवताप भी कहा जाता है। 9 दिनों में गर्मी अपनी चरम सीमा पर होती है। नौतपा में सूर्य रोहिणी नक्षत्र में गोचर करता है। सूरज की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं। नौतपा के दौरान सूर्य पृथ्वी के सबसे करीब होता है। साल के ये 9 दिन सबसे अधिक गर्म होते हैं। भीषण गर्मी से बचने के लिए करें उपाय। ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, ठंडी चीजों का सेवन करें जैसे दही लस्सी। पूरे कपड़े पहनकर ही घर से बाहर निकलें। घर से बाहर छाते और चश्मे का प्रयोग करें। दोपहर में घर से बाहर निकलने से बचें। मौसम विभाग के अनुसार 25 मई से 2 जून तक नौतपा का दौर जारी रहेगा। ऐसे में डॉक्टर्स की तरफ से भी हिदायत दी गई है कि अपना खास ख्याल रखें, साथ ही गर्मी से बचने के उपाय अपनाते रहें। खास तौर पर बच्चे और बुजुर्गों को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने दें। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो देखिए, नौतपा का कहर भी लोगों को अब सताने लगा है। गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है इन 9 दिनों में कि लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। इसके साथ ही डॉक्टर्स की यह भी सलाह है कि खासतौर पर बच्चे और बुजुर्ग तो घरों से तभी बाहर निकले जब बहुत ज्यादा जरूरत हो। तो नौतपा क्या है ये भी हमने आपको बताया। 9 दिन होते हैं ये बेहद ज्यादा भीषण गर्मी वाले, जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में गोचर करता है। इसके साथ ही सूरज की जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं। और देखिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। मेरे साथ डॉक्टर नरेश चावला जी हैं, पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं ये आईएमए के, इसके साथ ही वाइस प्रेसिडेंट हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल के। सर, बहुत स्वागत है आपका। और मेरे साथ डॉक्टर चंद्र मोहन जी भी जुड़ गए हैं, मौसम विशेषज्ञ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले चंद्र मोहन जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, क्योंकि ये 9 दिन हैं नौतपा वाले यानी कि गर्मी वाले, मौसम विभाग किस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करेगा? क्योंकि अभी जितना ज्यादा टेम्परेचर नजर आ रहा है, जितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, लोगों के लिए वाकई में ये बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। का जो वैज्ञानिक और भौगोलिक जो परिवेश में हम इसको इस तरह से मानते हैं कि इन दिनों में सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है वो कम हो जाती है, परिभ्रमण जो गति होती है उसकी वजह से। तो इन दिनों में जो जब सूर्य और पृथ्वी की नजदीकियां बढ़ जाती हैं तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और ये जो नौतपा है इस साल 25 मई से शुरू होकर 2 जून तक रहेगा। तो इन 9 दिनों के दौरान जो ज्योतिष जो जो हमारा शास्त्र है उसके अनुसार रोहिणी नक्षत्र में सूर्य गोचर करता है, तो इस दौरान जो सूर्य की जो किरणें हैं वो तीखी तीक्ष्ण और ऊष्ण हो जाती हैं और आसमान से आग बरसने लगती है। तो इस दौरान 9 दिन सूर्य की तीक्ष्ण किरणें तो रहती ही हैं, साथ में इन दिनों में जो सिंध और बलूचिस्तान और थार मरुस्थल से सीधी पश्चिमी हवा भारत में प्रवेश करती है और सबसे ज्यादा जो असर है वो राजस्थान पर होता है, उसके बाद हरियाणा एनसीआर दिल्ली पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो इन दौरान भीषण जो गर्मी के साथ साथ गंभीर हीट वेव, लू और साथ में उष्ण रात्रें दर्ज की जा रही हैं। अगर हम कल की बात करें, कल सिरसा का जो तापमान था 48 डिग्री को पार कर गया था। अगर हम पूरे भारत की बात करते हैं
तो जो हमारा सिरसा का जो नंबर था, जो पूरे विश्व के पांच जो टॉप फाइव जो स्थान है उनमें काउंट हुआ। सबसे ज्यादा जो गर्मी या दिन का जो तापमान था वो 50 डिग्री कोलादी का रहा, जो राजस्थान में है। इसी प्रकार से दूसरा जो स्थान था वो जैकवाबाद पाकिस्तान का रहा। इसी प्रकार से तीसरा स्थान भी पाकिस्तान का, और जो चौथा स्थान था वो भारत में हरियाणा का सिरसा रहा। और इसी प्रकार से अगर हम हरियाणा एनसीआर दिल्ली की बात करते हैं, तो हरियाणा एनसीआर दिल्ली में भी जो पश्चिमी और दक्षिणी जो जिले हैं उन पर लगभग सभी जिलों में तापमान 45 से ऊपर रहा। ज्यादातर जो जिलों पर जो तापमान था 47 डिग्री सेल्सियस रहा, और आने वाले 2-3 दिन इसी प्रकार से तापमान में बढ़ोतरी जारी रहेगी। तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को जाने के लिए आतुर है। साथ में रात्रि भी गर्म बनी हुई है, रात्रि का तापमान भी 32 डिग्री को क्रॉस कर गया। नॉर्मल का जो आज का रात्रि तापमान था वो 32.3 डिग्री सेल्सियस था। तो कहने का मतलब ये है कि दिन और रात दोनों ही गर्म बने हुए हैं। आम जन का रात्रि और दिन का चैन इस भीषण गर्मी ने, प्रचंड लू ने छीन लिया है। बिल्कुल डॉक्टर चंद्रमोहन, आपने सही कहा। अमूमन तौर पर दिन में गर्मी होती है, लोग बर्दाश्त कर लेते हैं कि रात तक तो चलो मौसम ठंडा हो जाएगा, लेकिन अभी जिस तरह का मौसम बना हुआ है वहां रात में भी चैन नहीं है। डॉक्टर नरेश चावला, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए ये जिस नौतपा का जिक्र हम कर रहे हैं उसमें कहा जाता है कि जो सूरज है, सूर्य जो है वो पृथ्वी के सबसे करीब होता है, तो लोगों पर इसका इफेक्ट कैसे पड़ता है, आप कैसे समझाएंगे? नौतपा एक तरफ जो इस साल की उम्र यानी कि गर्मी है, दूसरी तरफ तो फ्रेंकली स्पीकिंग हम बिजनेस अवश्य कर रहे हैं, वो किसी दिन एनुअली है, हर साल गर्मियां भी आती, और पर्टिकुलरली हमारे नॉर्दर्न इंडिया में हमें हमेशा अच्छी गर्मियों की, अच्छी सर्दियों की, वो अच्छी बरसातों का एक एक्सपीरियंस हो गया है। तो आई वुड ओनली से दैट पीपल हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। इसमें कोई शक नहीं है, जिन लोगों को बाहर निकलना पड़ता है मुंह से लेकर शाम 5 बजे तक, उनका टाइम बहुत ही मुश्किल कटता है, वो बकायदा सीधी लू लगती है, सीधी गर्म हवाएं हर्ट करती हैं, और हीट स्ट्रोक होने का या हीट स्ट्रेस होने का डर पूरी तरह रहता है। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि यू हैव टू बी वेल, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। आपके जो बच्चे हैं पर्टिकुलरली, और जो एल्डरली हैं, जो 60-65 से ऊपर हैं, या जिनको कोई दूसरी बीमारियां हैं, कोई अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, या कोई हार्ट डिसीज है, या किडनी या लंग डिसीज है, उनको तो दे शुड ट्राई टू रिमेन इंडोर्स फ्रॉम 9 to 5। जो कोई काम करने हैं उससे मुंह से पहले करें या शाम 5 बजे के बाद करें। और बाकी जिनका निकलना, कहते हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, जिनको निकलना ही है दे शुड भी अपना अंगोछा लेके चलें, सर में कोई हैट या कैप मान के चलें, ओढ़ते हैं तो अपना दुपट्टा लें, अपने चेहरे को कवर करें, अपने हेड को कवर करें। और सबसे बड़ी हेल्प मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, सबसे बड़ी हेल्प है अपने साथ पानी लेके। पानी इज द ओनली थिंग जो हमें बचाता है, बॉडी हीट हो जाती है, तो अपने साथ कम से कम 2 लीटर की पानी की बोतल लेके चलें और छोटी छोटी मात्रा पीते रहें। उससे आपकी घबराहट भी दूर होगी, आपको किसी किस्म का लू लगने के चांसेस भी कम होंगे, आपकी टांगों में क्रैम्प्स वगैरह नहीं आ पाएंगे, आपको बेचैनी नहीं होगी। इसके अलावा आप प्लेन वाटर, लेमन वाटर, या नारियल पानी, या दही की लस्सी, या कांजी, ऐसी चीजों का जितना आप इंतजाम कर सकें करिए, क्योंकि आपके कहने से मौसम बदलेगा तो नहीं। काला चश्मा पहने आंखों पे आपके लाल नहीं होनी चाहिए, कपड़े अपने हमेशा लाइट कलर हो, व्हाइट या क्रीमी या ब्लू या ग्रीनिश, रेड और ब्लैक कलर के कपड़े ना पहनिए। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं, अगर ली जाएं तो हम जो बुरे से बुरा हो सकता है उससे बच। बिल्कुल, क्योंकि मौसम में तो बदलाव नहीं ला सकते, लेकिन छोटे छोटे उपाय करके हम खुद को सेफ रख सकते हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन, मैं आपसे समझना चाहूंगी, वो पीक टाइम कौन सा है, क्योंकि जैसे कहा जा रहा है कि 12 बजे के बाद से लेकर शाम को कितने बजे तक जब घरों के अंदर रहे तो ज्यादा सेफ रहेंगे, क्योंकि सूरज की किरणें तब सबसे ज्यादा पृथ्वी पर पड़ेंगी, वो समय कौन सा है? और इसके साथ ही डॉक्टर चंद्रमोहन, ये कहा जा रहा है कि काफी साल बाद
इतना ज्यादा टेम्परेचर जो है वो बढ़ा है, मतलब इतनी भीषण गर्मी पड़ी है। सही कह रहे हैं आप, अगर हम बात करते हैं तो रिकॉर्ड तोड़ जो तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, अगर हम जिला महेंद्रगढ़ में नारनौल की बात करते हैं तो लगभग 3 साल के बाद इस प्रकार की भीषण गर्मी देखने को मिली है। इससे पहले जो तापमान थे वो 48 डिग्री सेल्सियस 66 में, उसके बाद जो कल जो तापमान था नारनौल का वो 47 डिग्री सेल्सियस था। तो इस प्रकार की जो गर्मी है पूरे हरियाणा, NCR, दिल्ली, बल्कि मैं ये कहूंगा कि संपूर्ण मैदानी राज्यों, पर्वतीय राज्यों, चाहे वो आपका राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा NCR दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, सभी जगह भीषण गर्मी का प्रचंड कहर जारी है। कहर मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रतिदिन जो आंकड़े बता रहे हैं कि 2 से 3 लोग प्रतिदिन इस भीषण गर्मी की चपेट से मर रहे हैं, तो इसका अब कहर बरपाना स्टार्ट किया हुआ है। अगर हम बात करते हैं तो जो तापमान है वो 11-12 बजे मतलब स्टार्ट होता है, और वो जो पीक का जो टाइम है वो 3-3.5 बजे तक रहता है। तो लगातार मौसम विभाग ने 15 जिलों पर रेड अलर्ट किया हुआ है और बाकी 7 जिलों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ में सभी जिला प्रशासन उपायुक्त महोदय की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की हुई है कि ज्यादा जरूरी होने पर इस समय कम से कम घर से निकले, अन्यथा अपने घरों में रहें। ज्यादा जरूरी काम है वो सुबह और शाम अपने कामों को निपटाया जाए, अन्यथा अपने घरों में ही रहें। साथ में डॉक्टर साहब ने भी बताया कि जब भी जाएं छाता या अंगोछा वगैरह अपना साथ लेके चलें, साथ में पीने का पानी लेके चलें, और साथ में जो सबसे बड़ी हिदायत या एडवाइजरी यही है कि 12 से लेकर 3-3.5 बजे तक घरों में ही रहें, तो इस प्रकार की भीषण गर्मी और प्रचंड जो लू है उनसे बचा जा सकता है। बिल्कुल डॉक्टर नरेश, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि इस मौसम में अक्सर कहा जाता है कि सर्द गर्म होने का खतरा बना रहता है क्योंकि लोग एसी से निकलकर अचानक बाहर चले जाते हैं या बाहर से आकर अचानक से एसी में बैठ जाना या ठंडा पानी पी लेना, तो ऐसे मौसम में क्या मरीजों की संख्या भी बढ़ती है, और अगर ऐसा है तो क्या अस्पताल भी इसके लिए विशेष इंतजाम करता है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इस कंडीशन से अपने आप को थोड़ा सा ढालना पड़ेगा। और ये जो लोग मैंने देखे हैं, बच्चे हैं, स्कूल से आएंगे, वो इसी बहुत ही चिल्ड में चला लिया, ऑलमोस्ट 17-18 में चला लिया, घर में चिल्ड पानी पी रहे हैं, तो ये चीजें हमारे शरीर को गवारा नहीं होती है। उससे क्या नुकसान होता है कि जो हमारे शरीर की झिल्लियां होती हैं, नाक की, मुंह की झिल्लियां, वो रिएक्ट करती है। उससे क्या होता है, उनकी उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, वो कोई ना कोई बीमारी, खाली सर्द गर्म से नहीं होती, सर्द गर्म से सिर्फ यू गेट प्री डिस्पोज्ड बीमारी वायरस या बैक्टीरिया से ही होगी। आपके गले में खड़खड़ शुरू हो जाएगी, फिर हल्के वायरस फीवर शुरू हो जाएंगे। तो आपने पूछा क्या इस मौसम में बीमारियां बढ़ती हैं और क्या इंतजाम किए जाए, तो मेरा जवाब यही है कि आम जनता को आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना ही कहूंगा कि पानी ठंडा पियो। यस सर, क्योंकि आपको लगेगा ताजे पानी से या टूटी के पानी से तो मेरा प्यास नहीं बुझती, हल्का ठंडा, चिल्ड नहीं, एसी चलाओ लेकिन हल्का ठंडा लगा। अगर आपने बाहर निकलना है या अंदर से बाहर जाना है, बाहर से अंदर जाना, ऑलवेज मेक श्योर बहुत चिल्ड से बहुत गर्म ना कीजिएगा, उसका नुकसान हमेशा होगा, नंबर वन। नंबर टू, जो दूसरी बीमारियां हैं वो इस गर्मी के मौसम में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं। मैं लोगों को कहूंगा कि अपनी पानी की बोतल लेकर चलो, बाहर में जो मशीन का पानी है, जो खुला गन्ने का रस है, ये चीजें अक्सर इनसे हमें पेट के इन्फेक्शन होते हैं। जो खुले खाने हैं, जो खुले चाट मिलती है, जंक फूड मिलता है, उनको जितना हो सके अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि हमारे देश में फूड रेगुलेशंस कम हैं, तो एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, कॉलरा, शिगेलोसिस और टाइफाइड की बीमारियां गलत खाना खाने से बहुत ज्यादा होती हैं। तो हमारे क्लिनिक्स में न केवल सर्द गर्म के पेशेंट ज्यादा आते हैं, पेट के इन्फेक्शन के पेशेंट बहुत ज्यादा होते हैं, और उसमें बच्चे के मैंने उपाय यही बताए हैं कि अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल, एंड इफ यू हैव टू ईट आउटसाइड गो फॉर ए रीजनेबली ऐसा प्लेस जहाँ हाइजीन बेटर मेंटेन की रही है, वहां फेंक तो शायद, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हैं और एक ना जश्न का माहौल होता है, उसमें कोई सुनता ही नहीं किसी की। तो मैं कहूंगा कि जितना हो सके ट्राई टू टेक होम फूड एंड ए रीजनेबल हाइजीनिक आउटसाइड। सर देखिए डॉक्टर नरेश, आपसे मेरा सवाल है क्योंकि कहा जाता है कि पानी ज्यादा पिए, तो ऐसे में
आप क्या सजेस्ट करेंगी कि वो फ्रूट्स कौन कौन से हैं जिनका सेवन ज्यादा करें? और एक और चीज मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, जैसा कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि फ्रिज से निकला हुआ फ्रूट ना खाएं, तो क्या ये भी आपकी बॉडी पे इफेक्ट डाल सकता है? इससे आपका गला खराब होना या तमाम तरह की बीमारी इससे भी हो सकती है क्या? पहला सवाल जो आपने पूछा, फ्रूट्स कौन से है? ऑल जूसी फ्रूट्स, उसमें संतरा, सेब, मौसमी, तरबूज, खरबूज, अमरूद, ये सब अच्छे फल हैं। इवन आम वगैरह भी अच्छे फल हैं। तो दूसरा सवाल कि अक्सर बड़े होते हैं कि फ्रिज से ठंडी चीज ना खाई जाए, तो इट इज ऑलवेज गुड कि आप उसको बाहर निकाल के थोड़ी देर के लिए रख लीजिए, घंटे दो डेढ़ के लिए। जब वो नियर रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी उससे फायदा होता है। अगर जीनी की फ्रिज में रखने से फ्रूट खराब हो जाता है, उसका कोल्ड बना इतना बढ़ जाता है कि आपकी चुलियों को लगता है उसमें कोई ना कोई आपका गला खराब होगा या सिकंद होगा। तो बेस्ट तरीके से टेक इट आउट, लेट इट बाहर को, उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आने दीजिएगा, फिर आप उसको अस्पताल चले सकते हैं। कितनी देर, टाइमिंग क्या होनी चाहिए, कितनी देर के लिए रखा जाए? निकालने के विद इन हाफ एन आवर टू वन आवर यू आर रेडी टू ईट इट। ठीक है। और ये मत कि फ्रिज में चीजें क्यों रखी जाती हैं, फ्रिज में चीजें अच्छी आती हैं, हर चीज। अगर आप सब्जी फ्रिज में रख रहे हैं, अब हर अवधि को जल्दी खराब हो जाएगी, आपने दाल रखी पकी हुई तो खराब हो जाएगी, आपने दही को नहीं रखा तो खराब हो जाएगी। इन चीजों को फ्रिज में रखिए, लेकिन जब कंज्यूम करनी है, जब खानी है, उसको निकालने से पहले बाहर रखिएगा, आधा पौना घंटा वेट कीजिएगा, फिर आप खा सकते। ठीक है डॉक्टर चंद्रमोहन, मौसम विभाग की अगर हम माने तो कैसे इसे समझा जाए कि आगे आने वाले कितने समय तक इस तरह का मौसम बना रहेगा? क्योंकि लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है कि राहत कब मिलेगी। बिल्कुल जी, देखिए मानसून से पहले प्री मानसून बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती हैं, परंतु अभी ऐसा कोई मौसमी प्रणाली अपने हरियाणा एनसीआर दिल्ली पर नहीं सक्रिय है कि जिससे प्री मानसून बारिश हो। अगर हम पिछले साल की बात करते हैं, पिछले साल नौतपा के दौरान बार बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते रहे, जिसकी वजह से हल्की बारिश, बूंदाबांदी और आंधियां चलती रही, जिसकी वजह से नौतपा में लोगों को ज्यादा गर्मी सहन नहीं करनी पड़ी, परंतु इस बार उससे विपरीत है। तो अगर हम बात करते हैं प्री मानसून बारिश की, तो अभी कोई आसार नजर नहीं आ रहे। हालांकि हल्का सा मतलब राहत मिलने की संभावना बन रही है, एक दो और तीन तारीख को हल्की बादलवाई रहेगी, परंतु उस दौरान छिटपुट बूंदाबांदी होगी, परंतु उससे कोई गर्मी में राहत नहीं मिलेगी, उससे बल्कि उमस भरी पसीने वाली गर्मी से आमजन को सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार का जो भीषण गर्मी का जो दौर है, अभी लोगों को कम से कम 20-25 दिन अभी सहन करना पड़ेगा। उसके बाद जो मतलब ज्योतिषाचार्य जो हमारे बताते हैं, या हमारा जो वैज्ञानिक रूप भी यही है कि जितना नौतपा में तापमान बढ़ता है उतना ही मानसून अच्छा आता है। तो इस बार संभावना ये बन रही है कि मानसून जो सक्रिय हो चुका है भारत में, परंतु अभी हरियाणा एनसीआर दिल्ली में अभी वेट करना पड़ेगा। 27 जून के बाद संभावना बन रही है हरियाणा एनसीआर दिल्ली पर राहत की, मानसून की, बौछारों की। तो अभी आम जन को 20-25 दिन इसी प्रकार की भीषण गर्मी से रूबरू होना पड़ेगा। तो 20 से 25 दिन अभी रहने वाले हैं और गर्मी भरे, लोगों को अभी और इंतजार करना होगा ठंडा मौसम आने के लिए, यूं कहें थोड़ा बेहतर मौसम बन जाए, गर्मी से थोड़ी राहत मिल जाए। डॉक्टर नरेश, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है या जो खुद बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्योंकि लोग इस तरह के भी हमने लोग देखे हैं, अगर थोड़ा सा वो धूप में बाहर निकले तो स्किन बहुत ज्यादा रेडनेस स्किन पे आ जाती है, कुछ लोगों को तो सिर दर्द होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए पर्टिकुलरली बच्चे और लेडीज, और लेडीज भी वो जिनकी जो थोड़ी फेयर कलर्ड हैं और जिनको की थोड़ा सा ब्यूटी कॉन्शियस हैं, तो उनको तो भैया इन घंटों में बाहर ना निकलें। अगर गलती से निकलना पड़ भी गए हैं, ऑफिस गोइंग वगैरह हैं, तो बड़े आराम से नंबर वन छाता जरूर हो, पैरासोल, चेहरे को दुपट्टे से ढका हुआ हो, डार्क गॉगल्स पहने हुए हों, और इसके अलावा वो अपनी बाजुओं को पूरी तरह कवर करके रखें। और मैंने पहले ही कहा है लाइट कलर क्लॉथ, व्हाइट, क्रीमी, ब्लूइश, ग्रीनिश। इसके अलावा उसका वो आजकल सन स्क्रीनिंग लोशन आते हैं, वो एसपीएफ 15 और 30 वाले आते हैं, सन स्क्रीन लोशन को लगा सकते हैं।
वो भी एक दिन में दो बार लगाना पड़ेगा, एक बार सुबह 9 बजे के आसपास, एक बार दोपहर 2 बजे के आसपास। ऐसा किया जाए उससे फायदा होता है। प्लस मैं महत्व बता चुका हूँ ज्यादा पानी पीने का, जहाँ मिले आप छाया में जाइएगा। और उसके बाद भी तकलीफ होती है, जैसे जो छोटे बच्चों को पित्त निकल आती है, लेडीज को इचिंग शुरू हो जाती है, तो आप बड़ी आसानी से अपने फिजिशियन या अपने स्किन विशेषज्ञ के कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं, क्योंकि बिकॉज द लेडीज के लिए कॉस्मेटिकली वेरी वेरी बैड। सर अगर किसी को लू लग जाए तो वो तुरंत क्या वो उपाय कर सकता है जो इफेक्ट दे सके तुरंत? बहुत ही अच्छा सवाल है। हजारों लोग, मैंने पहले ही कहा है, बच्चे, लेडीज और हमारे सीनियर सिटीजन, अगर किसी को ऐसा लगता है कि एकदम उसको क्या होगा, उसके आसपास लोग देखेंगे या उसको खुद भी महसूस होगा, उसको चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, टांगों में क्रैम्प्स हो जाएगा, बॉडी एकदम रेड हॉट हो जाएगी, पसीना आना बंद हो जाएगा, बस इंसान गिर भी सकता है, ऐसा किसी को आप देखें या ऐसा किसी को ऐसा महसूस हो, तो सबसे पहला सुझाव इंसान को ठंडी जगह पे लाया जाए, एकदम उसको कूलिंग की जाए। कूलिंग का मतलब ठंडे पानी से या ताजे पानी से स्पॉन्जी की जाए या बाल्टी पानी डाल दी जाए, इंस्टेंट कूलिंग की जाए। अगर इंसान अनकॉन्शियस हो चुका है, मुझसे पानी नहीं पी सकता, तो एज ए लाइफ सेविंग मेजर पेशेंट को इंस्टेंट हॉस्पिटलाइज कराया जाए। अगर इंसान मुंह से पानी पी सकता है तो किसी किस्म का भी पानी, अगर वो डायबिटिक नहीं है तो ग्लूकोज का पानी, प्लेन वाटर, लेमन वाटर, कोकोनट वाटर दिया जाए, छोटी छोटी मात्रा से, जिसमें उल्टी भी शुरू हो जाती है। तो क्योंकि हमने ऐसे केसेस हॉस्पिटल में देखे हुए हैं, तो दिस इज कॉल्ड सन स्ट्रोक, इट इज ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। अगर कोई बुरा है और एकदम ऐसा होता है तो जान के जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए कुछ भी आपको ऐसा नजर आए किसी बस स्टॉप पे या किसी दुकान के बाहर या चलते फिरते, तो आई थिंक वी आर ड्यूटी बाउंड कि ऐसे इंसान की आप हम एकदम मदद करें, और हमें लगता है कि नहीं तो बहुत ही ज्यादा बेहोश हो रहा है, तो उसको इंस्टेंट किसी आईसीयू में एडमिट करें। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है हमारे दर्शकों के लिए भी, कुछ ये उपाय करके वो किसी की जान बचा सकते हैं या किसी की मदद कर सकते हैं। और डॉक्टर नरेश, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, तो नींबू पानी या फिर लस्सी, इन सब चीजों का भी सेवन ज्यादा से ज्यादा करना हेल्पफुल रह सकता है? नहीं है, ऑल काइंड्स ऑफ वाटर, लेकिन जो हमारी प्यास बुझती है वो हमेशा प्लेन वाटर से बुझती है। अगर मुझे 10 गिलास पानी पीने हैं तो 10 में से मुझे 1-2 मैं नारियल पी सकता हूँ, 1-2 मैं नींबू नमक का पानी पी सकता हूँ या ओएस पी सकता हूँ, बाकी मेनली मुझे प्लेन वाटर ही पीना पड़ेगा। लस्सी भी 1-2 गिलास पिया जा सकता है। कोई ये मत सोचे कि मैं दूसरे पानी पीता हूँ, मैं प्लेन वाटर ना पीऊँ। हमारी जो मेजर प्यास बुझती है वो हमेशा प्लेन वाटर से ही बुझती है। वो भी जैसे कि मैं बता सकता हूँ, बहुत आइस कोल्ड मत दिया जाए, एक मॉडरेटली कोल्ड हल्का ठंडा पानी दिया जाए। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेश, आपका भी, डॉक्टर चंद्रमोहन जी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए गर्मी तो सता रही है, लेकिन हरियाणा न्यूज ने आपको वो तमाम बचाव के उपाय बताए हैं जो आप घर में ही रहकर कर सकते हैं और इस गर्मी से बच सकते हैं। तो अपना और अपनों का खास ख्याल रखिये। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।